इस सत्र में जो हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है बिहार सिविल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करते हुए बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं। और रिवीजन का ये अंतिम दौर है, जो साइंस की क्लासेस हम लोग ले रहे थे, बायोलॉजी लिया, कल केमिस्ट्री लिया था और आज फिजिक्स के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मेरे बच्चों, आप सबकी चूँकि परीक्षा की अंतिम समय आ चुका है, 30 सितंबर बिल्कुल निकट है और आप पूरे जोश और खरोश के साथ होंगे और आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से अपने रिवीजन और अपने पाठ्यक्रम को कर रहे होंगे। आइए तो आज के इस कड़ी में सबसे पहले जो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति के बारे में। तो आइए पहला सवाल आपके सामने है, विद्युत शक्ति के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, यह है इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति और इसका यूनिट दिया हुआ है कि एम्पियर होता है, कूलम होता है, वोल्ट होता है या वाट होता है। पावर इक्वल टू आप इनर्जी बाय टाइम जानते हो, है ना। पावर इक्वल टू क्या होता है, इनर्जी बाय टाइम यानी ऊर्जा बटे समय होता है। और ऊर्जा की यूनिट अगर आप जानते हैं तो जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड वाट को कहते हैं। तो कई बार ऑप्शन में देख लीजिएगा कि हो सकता है कि जूल पर सेकेंड भी दिया हो और हो सकता है कि वाट भी दिया हो, तो आपका आंसर क्या होगा, जूल पर सेकेंड या वाट होगा। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, सबको मालूम होगा, विभव का होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे, विभव जिसको कहते हैं या विभवांतर कहते हैं, विभव की इकाई है ये। एम्पियर करंट की इकाई होती है यानी विद्युत धारा की इकाई होती है ना, तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। और कूलम जो यूनिट होती है बच्चे, वह होती है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के, ठीक है। तो हम लोग ये पहले सवाल को किया है और इसके बाद में दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, आप इस दूसरे सवाल का आंसर करेंगे। हम आपके आंसर का वेट करते हैं कि आप क्या आंसर इसका करते हैं, देखिए इसका क्या आंसर आपके पास में होगा। आंसर देंगे, मैं अपने बच्चों को इसलिए परेशान कर रहा हूं कि देखूं मैं आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर तो जरूर देना चाहिए, आपको देना चाहिए ना, तो दीजिए आंसर दीजिए। लिंक भेज दीजिएगा जरा, संजय जी लिंक देंगे। चलिए मेरे पास में जैसे ही लिंक आता है आपका कमेंट हम पढ़ेंगे। फिलहाल व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज पूछा गया है कि हर्ट्ज यानी हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है। आप सबको बच्चे मालूम होगा आवृत्ति की इकाई होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है और हीट ऊष्मा की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वैसे ऊष्मा को हम कैलोरी में भी मेजर करते हैं, एनर्जी का तो जूल होता है सबको मालूम है ना। तो ये सेकंड सवाल था। फ्रीक्वेंसी के बारे में कई बच्चों को शायद ना मालूम हो, तो आप ये याद रखेंगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जो कंपन होती है, एक सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है, उसी संख्या को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अगले सवाल की तरफ चले। तीसरे सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसका यूनिट है? आपके पास में चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चों से ये है मेरा कहना कि इसका आंसर जल्दी जल्दी दें। क्या आंसर हो सकता है? मैं आपके कमेंट को देखूंगा अभी तुरंत। आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, क्या आंसर होगा आप बताएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को देख तो रहे हैं पर आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगर आंसर आप दे पाएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए आप आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट करता हूं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को आप कहते हो प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है आपको ध्यान में रखना है, ओम होती है, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। यहाँ ओम मीटर दिया है, ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी का। सो आपका आंसर सी पार्ट है। कंडक्टेंस आप सभी लोग जानते हो विद्युत चालक होती है ना, मोहो बोलते हैं इसको हम। चार्ज की यूनिट कूलम होता है ना। तो आप ये ध्यान में रखेंगे किसकी क्या यूनिट होती है। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट। मैं वेट नहीं करूंगा अब आपके आंसर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन पूछा है लेकिन पूछ रहा है एसआई यूनिट। आप सबको मालूम होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है बेटा। एसआई यूनिट में आपको ये बताना है कि करेक्टली मैच जो नहीं है वो कौन सी है। आपके पास में पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मापते हैं, बिल्कुल सही है ये, यानी करेक्टली मैच है। प्रेशर यानी दाब को पास्कल में मापते हैं, ये भी यूनिट बिल्कुल ठीक है। तीसरा हीट को जूल में मापते हैं, ये तीनों ठीक है। तो डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट करेक्टली मैच। एक्टिविटी ऑफ रेडियो, क्यूरी एक्टिव सब्सटेंस, ये कुछ समझ नहीं आया। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं बेक्वरल। क्या यूनिट होती है? बेक्वरल। बेक्वरल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बेक्वरल एक साइंटिस्ट थे, हेनरी बेक्वरल, और हेनरी बेक्वरल साहब ने ही रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। रेडियो सक्रियता क्या होती है बेटा? कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सच एज अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, तो उसे आप क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और उसकी यूनिट बेक्वरल होती है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है लाइट ईयर। लाइट ईयर है ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बेसिकली किसमें मापते हैं? यहां पर दिया है डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डिस्टेंस यानी दूरी, लेकिन कौन सी दूरी? प्रकाश वर्ष एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बीच की दूरी को मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। दो अंतरिक्ष के दो पिंडों के बीच की दूरी को मापते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी हेवनली बॉडीज है, खासकर खगोलीय पिंड है, तो उसके बीच की दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। फिलहाल इतना जरूर जान जाइए, टाइम टेकन बाय लाइट इन वन ईयर, यानी लाइट की स्पीड आप सभी को मालूम होगा। स्पीड अगर पूछा जाता तो मीटर पर सेकेंड में हम लाइट की स्पीड को लेते हैं, है ना। और आप लोगों को मालूम होगा 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो एक लाइट ईयर में एक साल के अंदर 9.46×10^12 किलोमीटर होता है डिस्टेंस। लाइट ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट है, यानी ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि आप लोगों ने जो अभी ये पढ़ा, इसमें दूसरा एक और यूनिट याद कर लीजिएगा, पारसेक। प
पार्सेक भी एक यूनिट होती है, डिस्टेंस की, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, अंतरिक्ष के पिंडों की बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग पार्सेक का भी प्रयोग उपयोग करते हैं। एक पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, 1 parsec = 3.26 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच यानी करेक्टली मैच नहीं है। तो मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, जो जहाज होती है खासकर पानी का जहाज सबमरीन्स जिसको पनडुब्बी की भी कहते हैं, बिल्कुल ये सही आंसर है। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, जो समुद्री दूरी तय करते हैं उसको नॉटिकल माइल में करते हैं। ऐसे सवाल जब कभी भी दिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये किसकी यूनिट है। ठीक है, तीसरा लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, बिल्कुल गलत, अभी आपने पढ़ा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग व्हाट डिस्टेंस, इसका मतलब करेक्टली मैच कौन नहीं है, डी नहीं है। एंगस्ट्रम एक यूनिट है वेवलेंथ का, बिल्कुल सही है। तीन आंसर आपने पढ़ा कि नॉट है, मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप यानी जहाज की जो चाल होती है, वेग होती है उसको मापते हैं, नॉटिकल माइल डिस्टेंस को मापते हैं समुद्री दूरी को, एंगस्ट्रम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की इकाई है, और लाइट ईयर जो होता है बच्चे यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, जबकि यहां पर आंसर दिया है टाइम, यानी ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर यहां भी क्वेश्चन पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है। यहां पर इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे गए हैं। देखिए लोक सेवा आयोग के द्वारा तरह, जब भी आपको रिवीजन में मिल रहा है तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अभी आप जैसे यूनिट पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कई तरह के यूनिट पूछे जा रहे हैं। अब इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानकारी रखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर करते हैं। यहां दिया है एनीमोमीटर, विंड की स्पीड, ये बिल्कुल सही है, हवा का जो वायु का वेग होता है उसको हम मेजर करते हैं एनीमोमीटर से, यानी करेक्टली मैच्ड है। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, ये भी करेक्टली मैच्ड है, विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर के द्वारा। उसके बाद में दिया है टेक्योमीटर प्रेशर डिफरेंस और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। देखो जी, टेम्परेचर के बारे में जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप वैसे जनरली आप टेम्परेचर के बारे में जब कभी भी बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थर्मोमीटर टेम्परेचर का मतलब मेजरमेंट करने वाला एक डिवाइस है जिसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर जब कभी भी हो, यानी बहुत उच्च तापमान हो, आप जैसे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप टंगस्टन का जानते हो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उच्च तापमान को मेजर करने के लिए पाइरोमीटर होता है, ये भी करेक्टली मैच है। आपको यहां दिया गया है प्रेशर को मापने के लिए टेकियोमीटर, दिस इज रॉन्गली मैच्ड। एक्चुअली प्रेशर जो मेजर की जाती है बेटा वो बैरोमीटर से मेजर की जाती है, आप सबको मालूम होगा दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। फिर यहां अगेन क्वेश्चन आया नॉट करेक्टली मैच्ड, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि विभव का इकाई ही वोल्ट है, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर दिया है बेटा पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर दोनों यूज करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को और स्मॉल करंट दोनों को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर वैसे गैल्वेनोमीटर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करते हैं और स्मॉल करंट भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, विद्युत स्मॉल करंट भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए।
पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, स्मॉल करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत छोटी करंट। कई बार डिवाइसेस में देखते नहीं है, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर में आप लोग जब करंट आता है तो उसको देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं जो लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का को मेजर नहीं करते, बिल्कुल गलत है। यहाँ पोटेंशियोमीटर दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए दिया है चूंकि जब भी फ्लो ऑफ करंट होता है तो पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। यहाँ रॉन्गली मैच्ड यानी नॉट करेक्टली मैच्ड डी पार्ट है, डी पार्ट इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, एटमोस्फेरिक प्रेशर, अभी बताया था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा, बैरोमीटर, सबको मालूम होगा है ना। वैसे ये क्वेश्चन अभी आपके सामने फिर आने वाला है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है और हाइग्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर होता है आप डेंसिटी मेजर करते हैं, या आप कह सकते हो कि वाटर की डेंसिटी मेजर करते हैं हम, है ना, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है, नमी मापते हैं, तो नमी मापने के लिए और पानी का घनत्व मापने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ, यानी दूध का घनत्व, दूध कितना फैटी है, डेंसिटी उसका क्या है, उस पर बात किया जा रहा है कि उसको किससे मेजर करते हैं बेटा, लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं, बाकी सब हमने अभी डिस्कस किया था। अगले सवाल की तरफ, रडार इज यूज, रडार, रडार के बारे में हमें जान लेना बड़ी आवश्यक है बेटा, रडार के बारे में हमें जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स, क्या लिखा है, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स। फिर दूसरा दिया है रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स, और सी पार्ट दिया है डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स। देखो रडार में हमेशा रेडियो वेव्स यूज की जाती है, रेडियो वेव्स यूज की जाती है, रेडियो वेव्स के मदद से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं कि कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स। बेटा आपको मालूम होगा जो हमारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पूरा जब तक रडार के रेंज में रहता है कोई भी चीज तो उससे पता लग जाता है कि हमारी LOC के अंदर कुछ आ तो नहीं रही है, लोकेशन का भी पता लगा लेते हैं हम। सो हमारा आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, यानी भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम किस पर मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल सुना होगा आपने, ऑन द रिक्टर स्केल, वैसे रिक्टर स्केल में आप लोग उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो सेस्मोग्राफ है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, सेस्मोग्राफ कहेंगे। सेस्मोग्राफ एग्जैक्टली जैसे थर्मोमीटर में फारेनहाइट स्केल होता है, वैसे ही आप देखे होंगे खासकर सेस्मोग्राफ की बात जो मैंने अभी बताया आपको कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो सेस्मोग्राफ इज जस्ट मेजरिंग टूल्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है और उसको रिक्टर स्केल में हम लोग मेजर करते हैं। केल्विन स्केल अगर पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे केल्विन स्केल पर टेम्परेचर मेजर करते हैं, SI यूनिट है। पास्कल पूछा जा रहा है तो आप ये याद रख सकते हैं कि इससे प्रेशर मेजर करते हैं, है ना, दाब की इकाई होती है। और डेसिबल अगर पूछा जा रहा है तो आप ये याद रखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता मेजर की जाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता मेजर की जाती है, कितना शोर मचाया जा रहा है, नॉइज कितना है, उस नॉइज को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ, फैदोमीटर इज यूज टू मेजर, फैदोमीटर, फैदोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, समुद्र की गहराई के
मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन बरसात में, खासकर बरसात कितना हुआ है सेंटीमीटर में, जब भी आप रेन को बरसात को मापते हो तो आप उस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखो, उसको हम कहते हैं रेन गॉज, रेन गॉज, ठीक है। और साउंड की इंटेंसिटी जब भी मेजर करना हो तो उसके लिए आप याद रखना बोलोमीटर बोलते हैं, उसको हम बोलोमीटर कहते हैं साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। अर्थक्वेक के लिए तो मैंने बताया ही था सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम के लिए फार्मूला आप लगाते हो मास इंटू वेलोसिटी, और क्वेश्चन पूछ रहा है फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम और वेलोसिटी की रेशियो फाइंडिंग करके आप मोमेंटम के विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट, तो भाई मास, अगला सवाल सीधा है क्योंकि मोमेंटम और वी का रेशियो अगर आप यहां पर करते हो पी बाय वी तो क्या निकलता है, एम निकलता है ना, ये है ना, ये डिवाइड में हो गया, तो पी बाय वी इक्वल टू एम, यानी मास द्रव्यमान के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है मोमेंटम का, यूनिट भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप, संवेग कहते हैं इससे हम, और मास इंटू वेलोसिटी के हिसाब से इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड के रूप में भी जानते हैं। कई बार पेपर में आता है एनएस का मतलब हो गया न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। यूनिट याद रखेंगे, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आइए, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, न्यूटन का नियम आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगले सवाल की तरफ फिर चलेंगे, इन विंड पावर विच ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो विंड एनर्जी में क्या होगा, हवा बहेगी, कैनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा। बेटा गतिज ऊर्जा का मतलब यही होता है द एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी हवाएं जो बहेगी गति होगी तो इसका मतलब उसके अंदर कैनेटिक एनर्जी है, और उसी कैनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा गतिज ऊर्जा। अगले सवाल की तरफ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। बेटा आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है आपने देखा होगा उसकी चर्निंग होती है, यानी पानी के साथ जब भी आप उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, तो आप देखे होंगे चर्न करता है ना, उसकी पूरी मिक्सिंग चलती रहती है। लेकिन जब धुलता है तो वह उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उस मेथड को आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इफ अ फेदर रबर और वुडन बॉल, तीन चीज लिया आपने, क्या क्या लिया, फेदर यानी पंख, किसका पंख, पक्षी का पंख, दूसरा लिया है रबर बॉल, और तीसरा लिया है वुडन बॉल, लकड़ी का बॉल और रबर का बॉल। फॉलिंग फ्रीली, जब भी ये वर्ड दिया हो फॉलिंग फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से छोड़ी गई, स्वतंत्र रूप से छोड़ी गई, फॉलिंग फ्रीली, तो बेटा याद रखिएगा यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कंक्लूड नहीं करना है। जब भी फॉलिंग फ्रीली हो इसका मतलब वह वैक्यूम होगा, हवा नहीं होगी, और वैक्यूम होगा तो फिर वहां पर ग्रेविटी के पॉइंट को कंक्लूड नहीं करना है। तो आप सिंपल याद रखेंगे जहां ग्रेविटी कंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, उसका मास, क्योंकि वेट डिपेंड करता है मास इंटू जी पर, है ना, तो मास तो कुछ भी हो, जी जीरो हो गया तो वेट जीरो हो गया, है ना, क्योंकि जी कंक्लूड नहीं करना है, जी जीरो हो गया तो एम किसी भी चीज में जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वेट जीरो हो गया। इसका मतलब चाहे वो पंख हो, चाहे वो रबर बॉल हो, चाहे वो वुडन बॉल हो, एक ही टाइम पर गिरेगा, तीनों ही ऑप्शन में देखेंगे ऑल द थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, एक साथ गिरेगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है।
समझ आ गई बात? मैंने कहा जैसे ही फॉलिंग फ्रीली वर्ड लिखा हो, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड लिखा हो, आपने कंक्लूड नहीं करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैक्यूम में एयर भी नहीं होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी होगी, इसका मतलब मास जीरो, मतलब मास कुछ भी हो जी जीरो लगाने से वेट जीरो होता है, और इस तरह से कोई भी बॉडी होगी उसका वेट जीरो होगा, सभी एक समय पर गिरेगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ एनी बॉडी। अभी बताया था वेट ऑफ किसी भी बॉडी का वेट, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम एट पोल होगा, मैक्सिमम एट पोल होगा यानी ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा, पेंडुलम में ऐसे जब भी ऑसिलेट करता है ये पेंडुलम तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक इसका लेंथ है, लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टाइम नहीं, डिपेंड्स ऑन मास नहीं, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, बिल्कुल सही, क्योंकि लंबाई जब बढ़ेगी आपने पढ़ा होगा टी इज एल बाय जी, ये है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी चंद्रमा पर अगर पूछ देता मैं कि चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाती है, 1/6 हो जाती है, तो जब ये घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ। एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है पृथ्वी पर, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, सो डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे। केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पर केरोसिन ऑयल फ्लोट करता है, तो फ्लोट करने का क्या सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा था, कोई भी लेस डेंसिटी होगी, अगर किसी भी वस्तु की डेंसिटी कम होगी तो वह ऊपर होगा, वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। बर्फ है, पानी में अगर आप बर्फ डालते हो तो बर्फ भी फ्लोट करता है, आइस फ्लोट ऑन द इनसाइड द वाटर, तो वहां भी उसकी डेंसिटी कम है। अब यहां पर देखना क्या है, इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही आंसर। मैंने कहा केरोसिन का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से यानी पानी के घनत्व से कम होगा, और ये प्रिंसिपल जो हम बता रहे हैं ये प्रिंसिपल कौन सी है, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि ये इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मैंने बर्फ का भी एग्जांपल लिया है कि अगर बर्फ के टुकड़े को डालेंगे तो बर्फ के टुकड़ा भी तैरता है, आइस फ्लोट, आइसबर्ग कई बार पूछ देता है कि आइसबर्ग जो होती है समुद्र में, समुद्र के पानी में वो तैरता है, फ्लोट करता है, तो डेफिनेटली आइस इज देयर डेंसिटी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर, समुद्र के जल के घनत्व से उसका घनत्व तो कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ फ्लूइड राइजेज मोर एज कंपेयर टू वाटर, मतलब क्या कह रहा है, पानी के कंपेयर में कोई भी फ्लूइड राइज करता है, एक कैपिलरी ट्यूब है, पानी अगर इसमें राइज कर रहा है इतना, तो कोई दूसरा फ्लूइड है तो उस दूसरा फ्लूइड का ज्यादा राइज करेगा, इसका क्या कारण है ना, तो इसका कारण सिंपल है, सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन जो है, किसका सरफेस टेंशन की बात कर रही है, मैं किसी भी फ्लूइड की बात कर रहा हूं कि अगर कोई फ्लूइड है तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा, उस सरफेस टेंशन के ऊपर जब भी बात पूछी जाएगी तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन जो होती है वो फ्लूइड का ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर उठेगा। क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, यहां पर दिया गया है, यानी अगर फ्लूइड का सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो ऊपर उठेगा पानी की तुलना में, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ, हाइड्रोलिक ब्रेक ऑटोमोबाइल में हम लोग देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो लगाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऑयल वगैरह डाली जाती है,
और ऑयल डाली जाती है, तो ये जो सिद्धांत दिया गया था एग्जैक्टली जिस सिद्धांत को हम इसमें रीड करेंगे, जनरली चूंकि प्रेशर को बचाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या करता है, शॉकर है एक प्रकार का, है ना, शॉकर है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो क्या करता है जर्क से आपको बचाता है, प्रेशर से बचाता है। तो प्रेशर का जो नियम है वो पास्कल ने दिया था, पास्कल्स लॉ हमने कहा था। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को तो आप जानते हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पर कई सवाल आती है, जैसे बंदूक की गोली जब छूटती है तो पीछे आपको धक्का लगाती है, वी फील किक ऑन आवर शोल्डर्स, हमारे कंधे पर एक जर्क लगता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर आएगा। अभी तैरने का सिद्धांत बताए थे, यानी फ्लोट करना, केरोसिन का फ्लोट करना, आइस का फ्लोट करना, है ना, तो फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होती है वो विस्कोसिटीज पर आधारित होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, आ गया यहां, विस्कस का मतलब आप लोग जानते होंगे जिसकी फ्लूडिटी कम हो। जब भी आप कोई चीज डालिए, पानी डालिए, गैसोलीन, अल्कोहल, सबसे गाढ़ा कौन होता है, हनी, हनी इज मोर विस्कस देन दिस। अल्कोहल को मालूम ही है, गैसोलीन भी आपको मालूम है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। दो ऑप्शन दिया है, एक में -4 है और एक में 4 डिग्री है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्वेश्चन पूछा है, नीडल सिंक इन वाटर, वेयर आर शीप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स, एक आयरन का नेल या नीडल पानी में रखने पर डूब जाती है, जबकि क्वेश्चन पूछा है कि वही आयरन की शीट से बनी हुई बोट फ्लोट करती है, उसका क्या कारण है, उसका कारण रिलेटिव डेंसिटी है, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द नीडल इज ग्रेटर देन, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मैंने अभी जस्ट बोला था कि फ्लोट तभी करेगा जब उसकी डेंसिटी कम होगी पानी की डेंसिटी से, तो भाई नेल के केस में रिलेटिव डेंसिटी नेल का ज्यादा था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द नेल और नीडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय इट, यानी जब भी हम नेल डालेंगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू द वाटर डिस्प्लेस, जो पानी उसको डिस्प्लेस कर रहा है। और एक और चीज भी कह सकते हो, सरफेस एरिया भी होता है, क्योंकि शीप का है तो शीप शीट बनेगा, शीट सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली सरफेस एरिया का भी एक यहां पर ऑप्शन हो सकता था। अगला सवाल, आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बात है, अभी क्वेश्चन आ गया ना कि बर्फ वो पानी में रखने पर फ्लोट करता है, आ गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वो मेल्ट करता है, यानी व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट, तो ये आप याद रखना, जब भी पानी में आप आइस डालोगे तो आइस डालने से जितना आइस अंदर डूबता है, वन अगर हमने ऐसे पानी में आइस डाला, यहां तक पानी था, अगर आइस डाला तो ये पानी ऊपर उठ जाएगा, डेफिनेटली ऊपर उठेगा आइस के डालने से, क्योंकि आइस का 1/9 पार्ट ऊपर रहता है, 9/10 पार्ट नीचे रहता है, ठीक है, तो पहले पानी तो अपने आप ऊपर उठ गया है आइस क्यूब डालने से, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट करता है, मेल्ट करने से उसका लेवल जैस का तस बना रहेगा, यानी रिमेन्स द सेम होगा, तभी भी उसका लेवल, वाटर लेवल, पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, When a ship enters a sea from a river, भैया कह रहा है कि नदी से समंदर में जाने पर, जब भी कोई ship नदी से समंदर में जाएगा तो उसकी जो बॉटम है, क्योंकि तैरती तो दोनों जगह है, रिवर में भी तैरेगी, समुद्र में भी तैरेगा, लेकिन उसका बॉटम जितना पर तैर रहा था वो उससे ऊपर उठ जाएगा, उससे नीचे चला जाएगा, तो आप याद रखिएगा, कह रहा है इट राइजेज अ लिटल, ऊपर उठ जाएगा, दूसरा कह रहा है इट सिंक अ लिटल, नहीं, समुंदर में डालने पर उसका ऊपर उठ जाएगा। आप वैसे भी जान लीजिए समुंदर के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से
क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक होगा तो वो ऊपर की ओर बायोन फोर्स लगाएगा, यानी समंदर में तैरना आसान होता है। इट इज इजी टू स्विम इन सी वाटर कंपेयर टू द रिवर वाटर, क्योंकि नदी के जल का घनत्व अधिक है, तो कम है, और किसकी तुलना में, समुद्र की तुलना में। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इट राइज अ लीटर। ठीक है बच्चे, अगला सवाल है विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी जो सूरज की विकिरणें आती है, दृश्य प्रकाश जिसको आप कहते हो, है ना, विजिबल लाइट, विवग्योर जिसको कहते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि इसका वेवलेंथ क्या होता है, तो नैनोमीटर में आप याद रखना 400 से 700 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रम भी यूनिट होती है वेवलेंथ का, तो आप याद रखना 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम, अगर ये ऑप्शन में आता है तो। ठीक है बच्चों, आप लोग चूंकि आज का जो सेशन है वो अंतिम पड़ाव की तरफ है, और मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने रखा है उन सारे सवालों को रिवाइज जरूर कीजिएगा। उसका बहुत बड़ा कारण मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन उठा के हम नहीं दिए हैं, हम वो सवाल दे रहे हैं जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल की गुंजाइश है, इस सवाल के आने की गुंजाइश है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को ठीक से एक बार सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन को देख जरूर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको ऐसा लगे कि यस हमने जो ये मेहनत किया था इसमें से सवाल बहुत, देखो बहुत दिनों तक काम जब करते हैं तो उसमें से चर्निंग करते हैं, निकालते हैं चीजों को, तो चर्निंग करने पर जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस चर्निंग का इफेक्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये भी मैं कह रहा हूं डेफिनेटली इसलिए मिलेगा, फिर सितंबर को जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ क्या ये सब डिस्कशन जो हुआ था, ये डिस्कशन कैसा रहा, ये डिस्कशन बहुत बेनिफिशियरी रहा। मैं क्यों इतना खुश दिख रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें से सवाल 100% भिड़ना चाहिए और आप छोड़ कर आएंगे साइंस के सवाल को। ठीक है बच्चे, आइए, डायमंड अपीयर्स लस्टरस, यानी हीरा जो होती है उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है। अब ये शाइनिंग का कारण क्या है, क्योंकि आप सब लोग प्रकाश के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें एक घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका क्रिटिकल एंगल के बारे में आप पढ़े होंगे कम होता है, तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है इसका मुख्य वजह है, बहुत ज्यादा शाइन होने का यही कारण है ना। अगला क्वेश्चन है फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर टेली कम्युनिकेशन में यूज की जाती है, तो टेली कम्युनिकेशन में जो ऑप्टिकल फाइबर यूज की जाती है वह किस पर, किस सिद्धांत पर, इन सभी में से वही सिद्धांत जो मैंने अभी जस्ट बताया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्टिकल फाइबर टेली कम्युनिकेशन जो वाईफाई हम लोग लगवाते हैं वह सिद्धांत कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है। ठीक है बच्चे, अगला सवाल रीजन ऑफ मिराज, मृग मरीचिका कहते हैं इसको हम हिंदी में, मृग मरीचिका, बच्चे आपको शायद मालूम भी होगा मृग मरीचिका बेसिकली एक प्रकार का इल्यूजन है, ये एक तरह का भ्रम है, यानी कई बार क्या लगता है जब आप बहुत तेज धूप में निकलते हो, गर्मी के दिनों में रोड पर जब चलते हो तो आपकी गाड़ी जब चलती है तो आपके गाड़ी के आगे आगे कुछ पानी जैसा दिखता है, या रेगिस्तान में जो रेत के टीले होते हैं वह दूर से नजर आती है कि वहां पानी ही पानी है, पर आपको शायद मालूम है कि गाड़ी जब आपकी आगे आगे बढ़ती है तो पानी का एक एक बूंद नजर नहीं आता, कहीं नहीं होता, पानी भी आगे आगे निकलती है, एक प्रकार का भ्रम होता है। कई बार विद्यार्थी जो पढ़े नहीं होते हैं उसके बावजूद भी उनको भ्रम होता है कि पीसीएस हमारा क्वालिफाई कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग उनके ऊपर मेहरबान है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि आप ये सारे चीजों को रिवाइज करिए और इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, यह इल्यूजन नहीं है, यह भ्रम नहीं है। ठीक है, तो मृग मरीचिका की बात मैंने कहा कि इल्यूजन है, और यह इल्यूजन किस बात पर डिपेंड करता है,
तो वही घटना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर डिपेंड करेगा। अगला सवाल है, टाइप्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय आई लेंस ऑन रेटिना। हमारी आंखों पर, हमारे नेत्र में आई लेंस है, पर रेटिना को स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई कहा गया, मानव नेत्र का पर्दा कहा गया है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो लेंस है, आपको शायद मालूम होगा कौन सा लेंस है हमारा, हमारा लेंस है आई लेंस जो है वह कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस को आप कहते हो उत्तल लेंस, और ये सदैव रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपका ब्रेन आपके नर्व्स के द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जब मैसेजिंग होती है तो यह उल्टा चीज सीधा रीड करता है ब्रेन, पर रेटिना पर इसका इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किस तरीके से, व्हाई डज वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी खोलता है एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड, यानी जब बहुत ऊंचे जगह पर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री ना है, तो 100 डिग्री पर नहीं, 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रही है, हाइट पर जहां भी जाएंगे, चूंकि वहां का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि उसका टेम्परेचर क्यों घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्यों घट रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का आप इसका जल्दी से आंसर दीजिए, चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मैं इसमें कुछ ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है, यही क्वेश्चन है ना। पहला ऑप्शन दिया है एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, वायुमंडलीय दाब घटता है एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। अच्छा, फिर यहां दिया है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लेस। देखो ये सब कोई बहाना नहीं है, इसका आंसर यही है, आप हमेशा याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब जो होती है ऊंचे जगह पर जाके घटता है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, जिसके वजह से आप देखते होइएगा दाल देर से पकता है, भोजन देर से पकता है, भोजन के देर से पकने का कारण भी यही सब है। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस फॉर विच ट्रांसफॉर्मर इज यूज। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई, ट्रांसफॉर्मर हमारी जो वोल्टेज है उसको बढ़ाता और घटाता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। यहां पर ऑप्शन में दिया है टू स्टेप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, है ना, हमारे घरों में एसी वोल्टेज ही तो है, तो आप याद रखेंगे, है ना, तो ये है। और कन्वर्ट एसी टू डीसी अगर पूछा जाए तो एसी टू डीसी को कौन कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं हम रेक्टिफायर, क्या कहते हैं हम रेक्टिफायर। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है, जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारे घरों में जो भी करंट फ्लो हो रहा है दिस इज एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इसी को बढ़ाना घटाना काम है। सुपर कंडक्टर पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका है हाई परमिएबिलिटी, दूसरा लो परमिएबिलिटी, तीसरा जीरो परमिएबिलिटी और चौथा इन्फिनाइट परमिएबिलिटी। तो हमेशा याद रखेंगे सुपर कंडक्टर जब कभी भी होगा उसकी परमिएबिलिटी जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, है ना, तो इसका आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम के बारे में किसने बताया, सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप याद रखेंगे ऑटो हॉर्न था, एंड एक और साइंटिस्ट का नाम आप लिख सकते हैं ओपेनहाइमर, नाम सुना होगा शायद आपने, ओपेनहाइमर, ऑटो हॉर्न, ये क्या किया था, न्यूक्लियर फ्यूजन
एटम बम का मतलब विखंडन करना, अनकंट्रोल्ड नियंत्रण में नहीं होता है, अनियंत्रित विखंडन होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो आप सबको मालूम होगा कि एटम बम के अंदर जो शुरू में यूज किया गया था, आपने पढ़ा ही होगा, फैट्स मैन और लिटिल बॉय, है ना, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम यूज किया गया था। तो हमेशा याद रखेंगे प्लूटोनियम फैट्स मैन और यूरेनियम जो है कि उसमें लिटिल बॉय में। तो यहां पर क्वेश्चन था कि किस पर ये है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, नाभिकीय विखंडन। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, यस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूरी गागरीन रशियन साइंटिस्ट था बेटा, रशियन साइंटिस्ट था, पहला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरीन। और उस सैटेलाइट का भी नाम अगर आप याद रखें तो बेहतर रहेगा, उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक वन, स्पुतनिक वन, द फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस। स्पेस में पहला सैटेलाइट अगर पूछे तो आप स्पुतनिक वन का नाम लेंगे, रशिया का था। फिर क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन मून, ये तो सबको मालूम होगा, नील आर्मस्ट्रांग। और अब तो हम भी अपने साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, है ना, और पूरे वर्ल्ड में दक्षिणी ध्रुव में पर पहुंचने वाला पहला यान चंद्रयान है, यानी भारत की उपलब्धि है ये, तो आप ये भी याद रखिएगा करंट के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला था, यस, किस लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को मिला था, है ना। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो आइंस्टीन का इक्वेशन है ये, नोबेल प्राइज आइंस्टीन को इसी वजह से मिला था। व्हिच इज, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, भारत में एटॉमिक एनर्जी का मसीहा होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं, है ना, उन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है, तो होमी जहांगीर भाभा इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन भी थे और सतीश धवन दूसरे हुए, हालांकि सतीश धवन इसरो के थे, इसरो के चेयरमैन थे ये, सेकंड चेयरमैन। ठीक है, सतीश धवन का नाम अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप याद रखेंगे, ही वाज द सेकंड चेयरमैन। ठीक है, दूसरे थे, हरी कोटा जो है वो इन्हीं के नाम पर है, हरी कोटा लॉन्चिंग स्टेशन जो है। लेजर के बारे में, लेजर क्या है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, यहां आ गया ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बी पार्ट इज द राइट आंसर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर कहते हैं, बीम ऑफ लाइट होता है ये। व्हाट वाज द फिजिबल मटेरियल, विखंडित करने वाली वो कौन सी चीज है, इन द बॉम्ब dropped at Nagasaki in the year 1945, पहले डाला गया था हिरोशिमा पर, दूसरा डाला गया था नागासाकी पर। और आपको मालूम होगा 6 अगस्त को ये डाला गया था, 9 अगस्त को ये डाला गया। अब पूछा जा रहा है 1945 में इसमें क्या यूज किया गया था, तो आपके पास में मैंने कहा था अभी जस्ट कि प्लूटोनियम और यूरेनियम, तो सबसे पहला जो था छोटा था, जिसको आपने हिरोशिमा में, हिरोशिमा पर डाला था, और हिरोशिमा पर जो डाला गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये नागासाकी वाला जो था वो था फैट्स मैन। ठीक है, तो हेवी जो डाला गया था वो डाला गया था प्लूटोनियम, यानी फिजनेबल मटेरियल जो था इसका वह था प्लूटोनियम। वैसे तो दोनों की बात हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जो हेवी बम होता है वह प्लूटोनियम का होता है, यानी फैट्स मैन में, और यूरेनियम किस में था, लिटिल बॉय में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखने वाली है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे सवाल पढ़ लिया है, और ये सारे सवालों को एक बार ठीक से आप कर लें बेहतर रहेगा,
अब इस तरह से ये एक शॉर्ट रिव्यू आपको करने को मिला है। इसमें से बहुत सारे सवाल आपके लिए बेहतर चुने गए थे, सेलेक्ट किए गए थे, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से इन सवालों का हो जाए। अब इसके बाद में हम लोग आइए, कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था बेटा, कल हम केमिस्ट्री की चर्चा किए थे और आप तक आज वो पहुंच, वैसे तो हम लोग गूगल मीट पर उसको किए हैं और आज वो मिल जाएगा आपको, डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। तो उसी के बचे हुए ये सवाल है, केमिस्ट्री के जो बचे हुए सवाल है, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक जब भी वर्ड हो तो ऑर्गेनिक का मतलब ही यही होता है कार्बन। कार्बन से बने हुए कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स। साहब पूछ रहा है कि सिगरेट का जो लाइटर होता है उस लाइटर में क्या उपयोग में हम लोग लाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो जनरली आप लोग जो हम लोग खासकर उपयोग में लाते हैं वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कल वाला ना? हाँ ठीक है, कल वाला है, बिल्कुल ठीक है। हाँ कल का छूटा हुआ ये सवाल था, ब्यूटेन। ब्यूटेन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। कई बार ऑप्शन में आप याद रखेंगे C4H10, सिगरेट लाइटर्स में ये भरी जाती है। और वैसे तो LPG में भी अगर पूछा जाए ना आपसे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का जो गैस है वो भी, उसमें भी ब्यूटेन है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG पूछा जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा? ब्यूटेन होगा, ठीक है। अच्छा, मीथेन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप याद रखना CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में पाई जाती है। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है बच्चे? मीथेन पाई जाती है, CH4 पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते हैं, है ना। अगला सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजडी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1984 में ये ट्रेजडी हुआ था और लाखों श्रमिक प्रभावित हुए, सैकड़ों की जाने गई। आप याद रखेंगे वो बड़ा ही पॉइजनस गैस लीक हुई थी जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। कई बार MIC स्टैंड्स फॉर भी पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड, कौन सा ऐसा फील्ड है, किस खेत में, कौन सा ऐसा खेत है जिसमें से मीथेन गैस निकलती है? तो याद रखिएगा, देखिए कहीं भी कीचड़ होगा ना, दलदल जहां भी होगा, कीचड़ होता है धान के खेतों में, और जहां भी कीचड़ होगा वहां पर यह गैस मिलेगा, मीथेन गैस मिलेगा। तो आप आंसर क्या डालेंगे? पैडी फील्ड्स, धान के खेतों से ये मिलती है। अगला क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज फॉर राइपनिंग, पकाने के लिए, है ना, जो फल पकाते हैं ना, कच्चे आम, कच्चे केला वगैरह ले आते हैं और फिर हम उसको पकाते हैं, उसमें आप डालते हैं कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड करता क्या है बेटा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में यानी पानी के कांटेक्ट में जब आता है तो यह बनाता है C2H2 और CaO, है ना। तो ये इससे, ये कैल्शियम कार्बाइड, ये गैस है, इस गैस से राइपनिंग होती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर यूज इन वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग। तो दो, जब भी दो स्ट्रिप हो, आयरन स्ट्रिप हो, तो ये आयरन स्ट्रिप को जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम क्या उपयोग में लाएंगे? जोड़ने के लिए वेल्डिंग गैस जो होगा, दैट वेल्डिंग गैस इज एसीटिलीन। कौन सा? एसीटिलीन, ऑक्सीजन एंड एसीटिलीन, ऑक्सी एसीटिलीन भी इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल,
नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन रबर होता है बेटा, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर कहां से प्राप्त किया जाता है? नेचुरल रबर रबर के पेड़ों से प्राप्त होता है, रबर ट्रीज से। तो रबर ट्रीज में जो मिल्की सब्सटेंस होता है, कट करते हैं तो रबर ट्रीज में जो मिल्की सब्सटेंस होता है उसी मिल्की सब्सटेंस को हम आइसोप्रीन लेटेक्स के रूप में जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आइसोप्रीन हो तो आइसोप्रीन या लेटेक्स हो तो लेटेक्स कहेंगे। वैसे ज्यादातर बार पेपर में क्वेश्चन जो आया है वो सिर्फ यही पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर रबर के पेड़ों से प्राप्त की जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ, तो आप क्या कहेंगे? लेटेक्स कहेंगे, ठीक है। और लेटेक्स में केमिकली अगर पूछा जाए कि किसका पॉलीमर है तो आइसोप्रीन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? नॉट बायोडिग्रेडेबल का मतलब नॉट डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोज नहीं होगा का मतलब सॉइल में कन्वर्ट नहीं होगा। साहब ऐसा कौन सा है? सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज क्यों नहीं है? क्योंकि वो लकड़ी का छिलका है, टुकड़ा है, वो सड़कर मिट्टी बन जाना है। बिल्कुल सही है। तो आप यहां पर बायोडिग्रेडेबल नॉट पूछा है तो ये प्लास्टिक होगा जिसका नाम है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, ये क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है और प्लास्टिक कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथिन? पॉलीथिन के निर्माण में जो पॉलीथिन है ना, देखते हैं कैरी बैग उपयोग में लाते हैं, नाम ही है पॉलीथिन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन। तो यहां पर आप देखें कहां दिया है, इथिलीन। इथिलीन इज द राइट आंसर, ठीक है। पॉलीमर का मतलब ढेर सारा यूनिट, इथिलीन का। पॉलीमर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। बुलेट प्रूफ मटेरियल के लिए जो जैकेट वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, तो बुलेट प्रूफ यानी गोलियां जब बरसाई जाए तो गोलियां इन्वेड ना कर पाए, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखेंगे, केवलार। केवलार, केवलार इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेक्रॉन के बारे में अगर आपको जानना हो तो रेफ्रिजरेटर डोर्स, जो फ्रिज के डोर वगैरह होते हैं, टीवी कैबिनेट होते हैं, सुना है कभी आपने, है ना? टीवी आजकल जो ये जो टीवी के कैबिनेट बनाए जाते थे, तो टीवी कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स बनाए जाते हैं डेक्रॉन के। रियोन जो है आप सबको मालूम होगा, सिल्क के रूप में जानी गई, आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया इसे, कृत्रिम सिल्क कहा गया, कपड़े बनाए जाते हैं रियोन के। और नायलॉन 66, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको मालूम है नायलॉन के जुराबे बनाई जाती है, फिशिंग नेट्स बनाई जाती है, मछलियों के जाल बनाए जाते हैं, है ना? तो ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें इससे उपयोग में हम लोग लाते हैं। बुलेट प्रूफ के लिए केवलार याद रखेंगे। अब पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस, चिपकता नहीं है, फ्राई पैन। कई ऐसे फ्राई पैन होते हैं जिसके ऊपर अगर आप कोई चीज फ्राई करते हो तो चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स, ऐसे बर्तनों में जो डाली जाती है वो डाली जाती है टेफ्लॉन, टेट्रा फ्लोरोकार्बन कहते हैं टेफ्लॉन को, तो आप याद रखेंगे टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है बेटा, फिनॉल और ये किसका होता है, बनता है वो भी बता देता हूं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, किसका बनता है ये, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इसके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बेकेलाइट बनता है। और शायद आपको मालूम हो ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, पर ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि बार बार मोल्ड नहीं होता, इसको हम ताप दृढ़ प्लास्टिक के रूप में जानते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक के रूप में जानते हैं बेकेलाइट को, ठीक है। बेकेलाइट का यूज किया जाता है बेटा इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, विद्युत स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, विद्युत स्विच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक कि हैंडल जो बनाते हैं प्रेशर कुकर वगैरह के, तो वो भी बेकेलाइट का ही बना होता है, हैंडल ऑफ कुकर,
प्रेशर कुकर का हैंडल किसका बना होता है, वो भी बेकल कारण है ना, ये इंसुलेटर होगा, प्लास्टिक है, विद्युत और उष्मा का प्रतिरोधी है, ये इंसुलेटर है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ। विनीगर इज द सॉल्यूशन ऑफ, विनीगर सिरका सबको मालूम होगा, विनीगर का मतलब सिरका, अचार में डालते हैं ना, अचार मुरब्बा इन चीजों में डालते हैं, इसमें पाई जाती है एसिटिक एसिड। कई बार ऑप्शन में एसिटिक एसिड नहीं हो तो उसका यूपीएक नेम दिया होगा, और उसका यूपीएक नेम होता है इथेनोइक एसिड। फार्मूला भी याद रख लें, ऑप्शन में हो सकता है एसिटिक एसिड ना देकर फार्मूला दे दे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वैसे सिरका से आप बहुत लॉन्गर टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं रॉ फ्रूट्स को, अचार को, मुरब्बा को, इसलिए हम एक तरह से प्रिजर्वेशन का काम करता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, टमाटर में ये पाई जाती है, टमाटर में ये पाई जाती है। हालांकि ऑक्जेलिक एसिड जो लैब में हम बनाते हैं उसका यूज किया जाता है एस्टेंस, दाग धब्बों को मिटाने के लिए, कपड़े में से दाग धब्बे अगर मिटाने हैं तो इट इज यूज टू रिमूव एस्टेंस, दाग धब्बों को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिट्रिक एसिड तो आप सिट्रस फ्रूट्स में जानते ही हो। क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट एन एक्सप्लोसिव, आपसे पूछा है इसमें से कौन ऐसा है जो कि विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अब विस्फोटक पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको मालूम होगा टीएनटी होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है। आरडीएक्स के बारे में पढ़े तो साइक्लोट्राइमिथिलीन ट्राई नाइट्रेमाइन कहलाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑयली एक्सप्लोसिव है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो लिखा है यह एक एक्सप्लोसिव नहीं है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसमें क्लोरोफॉर्म होता है और यह ठंडा रखता है क्लोरोफॉर्म को, खासकर एनेस्थेसिया में क्लोरोफॉर्म यूज में लाया जाता है, बेहोशी में लाने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी में लाने के लिए किया जाता है, और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। तो आप इसका आंसर देंगे कि एक्सप्लोसिव नहीं है वो, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ नहीं है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड, कितना बढ़िया पेट्रोल है ये किस बात पर निर्भर करेगा, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार थोड़ी गति में क्लास जरूर ले पा रहा हूँ, मुझे पता है, और चूंकि आपके पास समय कम है तो आपके और भी विषय हैं, आप हमारे साथ बहुत लंबा वक्त न गुजारे, जितना मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप करते जाए, रिविजन इसीलिए करा रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कहीं पर कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम उसका रिप्लाई दे देंगे आपको। तो ऑक्टेन नंबर इसका आंसर होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्टेन नंबर, अरे सॉरी, यहाँ पर ए में नहीं है बेटा, बी में ऑक्टेन नंबर है, बी इज द राइट आंसर। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन होती है इसमें। ठीक है, वैसे आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी गैस होती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कैलोरी मान बहुत ज्यादा होती है, रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। कल शायद हमने बताया भी था आपको, रॉकेट फ्यूल में रॉकेट ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, इसको हम प्रोपेलेंट के रूप में जानते हैं, प्रणोदक भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, नेक्स्ट, एलपीजी यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, अभी पढ़ाए थे, क्या पाई जाती है इसमें से, मीथेन गलत, प्रोपेन गलत, इथिलीन गलत, नन ऑफ द अबव बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने कहा डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी, एलपीजी में क्या पाई जाती है मुख्य रूप से, ब्यूटेन पाई जाती है, C4H10। कई बार ऑप्शन में ब्यूटेन भी दिया हो या आइसोब्यूटेन दिया हो सकता है, तो आपका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्ट्रेन ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर, भैया एक बात पूछा जा रहा है आपसे, एलपीजी की लीकेज पता करना है। अब पता करना है तो सबसे पहले तो ये बात आप जान लो
कि एलपीजी जो होता है बच्चों वह है ओडरलेस। ओडरलेस मतलब गंधहीन गैस है, गंध नहीं होती है। तो गंध नहीं होती है तो लीकेज का पता कैसे लगेगा? उसमें हम एक कंपाउंड ऐड करते हैं और वह कंपाउंड है इथाइल मरकैप्टन। फार्मूला याद रखिएगा C2H5SH। एलपीजी सिलेंडर में यह डाली जाती है ताकि रिसाव का पता लगे, यानी लीकेज का पता लगे। विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मुख्य रूप से सीएनजी जो मैंने बताया था मीथेन होता है, CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पर गैसोहॉल। अरे बहुत बढ़िया फ्यूल हो गया ये, इसका यूज जेट क्राफ्ट में करते हैं हम लोग, जेट विमानों में। जेट विमान की जो हाई स्पीड होती है गैसोहॉल होती है, गैसोलीन और एल्कोहल, यानी एल्कोहल में इथेनॉल। तो आप याद रखेंगे गैसोलीन एक मिक्सचर है। लार्ज स्केल पर ऐसे इंजन उपयोग में लाए जा रहे हैं अब, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू के इंजन बनाई जा सके और लेस पॉल्यूशन हो। पॉल्यूशन जितना कम होगा उतना ही आइडियल फ्यूल कहलाएगा वो। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस को प्रिजर्व करना है बच्चे। बहुत आप लोग रियल जूस पीते हैं, तो आप जब रियल जूस पीते हैं तो रियल जूस पता नहीं कब पैकिंग की गई है, तो उसके अंदर कुछ तो डालेंगे ना प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो। तो आप ये याद रखेंगे कि द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, किस चीज का उपयोग किया जाता है, क्या डाला जाता है। लार्जली सोडियम बेंजोएट डाली जाती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता और एसिड का नाम लिखा होता तो आप याद रखते बेंजोइक एसिड। अगर ऑप्शन में सोडियम बेंजोएट नहीं होता देन योर आंसर इज बेंजोइक एसिड। फार्मूला भी याद रखेंगे C6H5COOH। ये फार्मूला कई बार क्या है, मैं ऑप्शन को अलग बता रहा हूं, हो सकता है ये ऑप्शन नहीं होता, ये होता, ये नहीं होता, ये होता, क्योंकि कई बार फॉर्मूला के रूप में दे दिया, ठीक है। एसिटिक एसिड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिरका में होता है, विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड को कहते हैं HCOOH। चींटियां जब काटती है जलन होती है, चींटियों के काटने से जो जलन होती है सीवियर बर्निंग ऑफ व्हेन एंट बाइट दैट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल के कारण। कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घर में जो फ्रिज आपका है वो फ्रिज ठंडा करता है, चीजों को सड़ने से बचाता है, उसमें गैस डाली जाती है और वो गैस डाली जाती थी फ्रियोन। क्यों मैंने कहा थी, क्यों? क्योंकि इससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता था बेटा वह CFC निकलता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वेरी हार्मफुल, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर। तो ऐसे जो चीजें निकलती हैं जो ओजोन लेयर को बर्बाद कर सकती हैं, एरोसॉल्स कहलाती हैं, तो ये ऐसे चीजों का उपयोग करना बंद कर दिया गया। आजकल हम लोग जो गैस उपयोग में लाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में डालकर उसका हम उपयोग करते हैं, पर फ्रियोन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट सवाल, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, जो हमारा खेतों में फर्टिलाइजर उपयोग में लाई जाती है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है यूरिया। सबसे पहला सवाल आपका है यूरिया क्या है, नाइट्रोजिनस, यानी आपके पौधे को सबसे अधिक मात्रा में प्लांट के लिए जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो नाइट्रोजन है, और यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है 47%। सो यहां परसेंटेज के आधार पर 47% इज द राइट आंसर। फायर एक्सटिंग्विशर की बात पूछी गई, कल की क्लास में ये डिस्कस है, फिर भी मैं बता रहा हूं, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि आग का सपोर्टर ऑक्सीजन है। वेयर ऑक्सीजन इनसफिशियंट फायर होगा, और वहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे तो सपोर्टर ऑफ कम्बशन मिलेगा नहीं, बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर तो नहीं दिया है ऑप्शन में, दिया है बिल्कुल दिया है आपके पास में यहां आंसर है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर में भरी नहीं जाती है, समझे। कल हम बताए थे आपको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, अमोनियम क्लोराइड और साथ में उसमें
सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों को रखा जाएगा, जैसे ही हम प्रेस करेंगे दोनों रिएक्ट करेगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होगा, बाहर निकलेगा। अगला सवाल, एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो, मॉस्किटो को हटाने के लिए इनमें से, ठीक से आंसर दीजिए आप, पूरा पढ़िए इसमें, मैं मुझे लगता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी किया गया है, टाइपिंग एरर है, मैं अभी आपको बताया देता हूं। टू आइसो प्रोपो एक्सीफिनाइल ये दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन तीन ऑप्शन जो आपको मैंने बताया आपको याद रखना है, मच्छर भगाने वाली जो धुआं पैदा होती है वो एलिथ्रिन से होती है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेक रैट पॉइजन, जहर चूहे का, चूहे का जहर कौन सा है, इसमें पोटेशियम साइनाइड है, एक और साइनाइड होता है भाई आप अगर याद रख सकते हैं तो, जिंक साइनाइड भी होता है, पोटेशियम साइनाइड भी यूज करते हैं और जिंक साइनाइड भी यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं है रहा है, जिंक रहे तो जिंक भी चलेगा, ठीक। अगला सवाल, पैडी वीडी साइड पूछ रहा है, वीडी साइड का मतलब टू कंट्रोल वीड्स, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, वीड्स क्या मतलब खरपतवार, खरपतवार खेतों में अपने आप उगाते हैं, धान का खेत है उसमें अपने आप कोई खरपतवार उगाया, कोई घास उगाया, तो वैसे घास को खत्म करना है तो उसके लिए केमिकल यूज करना पड़ेगा, वह केमिकल होगा 2,4-D, 2,4-D, ठीक है, DDT इंसेक्टिसाइड है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। सब्सटेंस यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, ये भी कल बात हुई थी, कल इस पर भी चर्चा हम लोगों ने किया था, सिल्वर आयोडाइड को कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए हमने बताया था बेटा क्या होता है, फिक्सर का काम करता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में यूज की जाती है फिक्सर के रूप में, फोटोग्राफी में यूज की जाती है फिक्सर के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, मेटल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का धातु, अब ये भविष्य का धातु क्यों कहा गया भाई, भविष्य में विश्व में वही ताकतवर देश होगा जिसकी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगी, यानी जो ताकतवर देश होगा वो डिफेंस के हिसाब से, इजराइल आप जानते हो छोटा सा कंट्री है पर डिफेंस मैकेनिज्म इज वेरी स्ट्रांग, वैसे ही अब डिफेंस में सबसे ज्यादा ये जो मिसाइल बनाई जाती है, तो टैंक बनाए जाते हैं, ऐसे वार वेपन्स जो बनाए जाते हैं बेटा वो बनाए जाते हैं टाइटेनियम का, इसलिए फ्यूचर मेटल किसको कहा गया है, टाइटेनियम को कहा गया है, इसको एक और नाम मैं दे दूंगा, इसको नाम आप एक और लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल, फ्यूचर मेटल भी कहेंगे, इसको हम ऐसे कहेंगे युद्ध कौशल संबंधी धातु, युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाला ये धातु है, वार वीपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, मेकिंग मैच बॉक्स रेड फॉस्फोरस, इसमें याद रखना हो तो आप याद रखना रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, माचिस। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस इज यूज्ड, साहब ये युद्ध में उपयोग में लाया जा चुका है, केमिकल वारफेयर है, ये रासायनिक सामग्री है, मस्टर्ड गैस कहते हैं इसको, जैसे कल पढ़ाए थे ना टीयर गैस, लाफिंग गैस, तो पुलिस वाले जो उपयोग में टीयर गैस कल बताए थे, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीन होता है उसमें। कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट बैटरी, बैटरी टॉर्च के उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होती है बच्चे, उस इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है इनमें से किसको, जिंक को, सल्फ्यूरिक एसिड,
मैग्नीज डाइऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट है ना ये, इसलिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। कई लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अगर पूछा जाए तो कार बैटरी में यूज की जाती है, इन कार बैटरीज, कार की जो बैटरी होती है उसमें हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट, अरे ये क्वेश्चन भी आ गया, वेरी गुड। द एसिड यूज इन कार बैटरी, अब यहां नहीं है, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में यूज की जाती है। तब एसिटिक एसिड तो बता ही चुके हैं, विनेगर है, सिरका है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। हालांकि आप इसका यूज टैनिंग पर्पस में करते हो, लेदर में जो चमड़े जो होते हैं ना, चमड़े के बैग वगैरह बनता है, तो लेदर टैनिंग में यूज किया जाता है, चमड़े को ढीला करने के लिए लेदर टैनिंग में यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में यूज किया जाता है, नाइलॉन के निर्माण में यूज किया जाता है, प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है, वाइडल यूज है। और नाइट्रिक एसिड तो आप सबको मालूम ही है, टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की जो शुद्धता है, सोने की शुद्धता को परखने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। सुना होगा आप लोगों ने एक्वारेजिया, जिसमें हम गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है, तो किसका मिक्सचर है एक्वारेजिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl और HNO3 होता है, पढ़ा होगा आपने शायद, इन दोनों का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, जिसमें गोल्ड डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, बाकी बातें अभी और हैं आपके सामने। अच्छा बेटा ये है, बाकी बातें नहीं, ये ऑलरेडी डिस्कस है सर, इंसेक्ट के लिए एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की पहली क्लास का ये आ गया, यानी हम एंड कर रहे हैं, और ये मेरा पहला क्वेश्चन था। रिवीजन की जब क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, मतलब अब पहला क्वेश्चन आ गया, यानी एंड पोजीशन आ गया। हमने पहले बायोलॉजी के सवाल करे, फिर केमिस्ट्री के सवाल करे, फिर हमने फिजिक्स के सवाल पढ़े, रिवीजन किया हमने, प्रॉपर तरीके से चीजों को मैंने आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि मोर देन 300 क्वेश्चंस आप तक मैंने भेज दिए हैं, 300 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज आपके सामने है, मोर देन 300 का मतलब ये हो गया, 300 से भी ज्यादा मैं कह लूँ, है ना, लगभग 350 से 400 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एक बार पेपर में जाने से पहले अगर एक घंटे का आधे घंटे का रिवीजन आपको देखने का मन हो तो प्लीज 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 इसको देख कर जाइएगा, आप निराश होकर नहीं लौटेंगे, ये मेरा वादा है, दावा है, और ये मेरा विश्वास है। तो बिहार सिविल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हमने अपने एफर्ट से जो बेस्ट एफर्ट करके आपको जो सवालों की श्रृंखला देनी थी वो हमने दी है। मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग पूरी टीम अच्छी तरीके से चीजों को आपके सामने रखने वाले हैं, आप उसके लिए कमर कस के तैयार रहेंगे। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देता हूं, ईश्वर आपके हर मनोकामना को पूर्ण करे और आप श्योर सक्सेस को अचीव करें। लास्ट में एक शब्द बोलूंगा, विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप अपना प्यार स्नेह हम टीचर्स के लिए भी अगर आप देंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और अपने साथियों के बीच संचार करें ताकि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके रिजल्ट से, आपके परिणाम से बेहतर हो सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।